आइए देखते हैं, कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं जिनका प्रयोग फिक्स्ड होता है, यानी कि उसमें आप परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। जो कहा गया है वो आपको वैसे यूज करना है। और ये ऐसे कलेक्टिव नाउन फिक्स्ड इस प्रकार से भी है कि पर्टिकुलर टाइप के वर्ड के लिए, पर्टिकुलर ग्रुप के लिए पर्टिकुलर वर्ड आएगा, मतलब खास तरह के वर्ड के लिए खास तरह का वर्ड आएगा। जैसे कि लोगों के समूह को क्राउड कहेंगे हम लोग। तो एक और चीज है कि सिर्फ क्राउड ही नहीं लिखेंगे इसको, आप अ क्राउड ऑफ पीपल लिखेंगे, अ मॉब ऑफ एंग्री पीपल, जब गुस्साए हुए लोगों की भीड़ होगी तो मॉब लिखेंगे, ठीक है। गुस्सा एग्जाम में पूछने का एक और तरीका है, पूछा जाएगा आपसे कि डॉट डॉट ग्रुप इज कॉल्ड, ठीक है। इसमें आगे आगे क्वेश्चन दिखाता हूँ आप लोगों को, आगे मैं आप लोग एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। लिखा रहेगा अ ग्रुप ऑफ एंग्री इज कॉल्ड, एंग्री पीपल होगा, एंग्री लोगों के गुस्से को क्या, या गुस्साए हुए लोगों के ग्रुप को क्या कहा जाता है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा कि गुस्साए हुए लोगों के ग्रुप को क्या कहा जाता है। एसएससी वाले भी पूछते हैं इसको, डिफेंस वाले भी पूछेंगे इसको, बैंकिंग के होंगे तो वो नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी इसको पूछेंगे अलग टाइप से, ठीक है। वो लिख देगा अ ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल, तो एंग्री पीपल के ग्रुप को हम ग्रुप नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, मॉब कहते हैं। तो जो और जगह सवाल होगा वो ये होगा कि अ ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है, क्रॉ या हर्ड या क्लस्टर या मॉब, तो क्या कहेंगे हम लोग, मॉब कहेंगे, ठीक है। उसी प्रकार आइए पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। एक तरीका हमने बता दिया कि एग्जाम्पल पूछेंगे कैसे आपको, एक तो ये सवाल था। दूसरा ये भी है कि ये सब जितने वर्ड हैं इनके बाद जो नाउन आएंगे आगे वो प्लूरल ही होंगे, क्योंकि ये ग्रुप को दिखाता है, झुंड को दिखाता है। अगर झुंड या ग्रुप होगा तो ग्रुप हम कभी भी एक से नहीं बनता, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने के बाद क्या बनता है, ग्रुप बनता है। और ग्रुप अगर होगा तो मोर देन वन होगा, यानी नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। आप बोलेंगे सर यहाँ प्लूरल नहीं है, आप ध्यान दीजिए, पीपल प्लूरल नाउन है, एंग्री पीपल प्लूरल नाउन है, कैटल कल भी मैंने बताया था कि ये क्या है, प्लूरल नाउन है, नहीं कैटल भी क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो उसी प्रकार हर्ड ऑफ काउज, नहीं काउ के झुंड को हम क्या कहेंगे, हर्ड कहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए एक और चीज मैं कह रहा था कि ये जानना है कि काउ के ग्रुप क्या कहेंगे हम लोग, कि समूह को कहेंगे हर्ड, और इसको और हर्ड ऑफ काउ नहीं लिख सकते हैं आप, क्या लिखना पड़ेगा, काउज। और जितने भी वर्ड्स इस तरह के हैं, इसका जो दूसरा वर्ड है या जिस वर्ड के लिए समूह समूह का प्रयोग कर रहे हैं, ग्रुप का प्रयोग कर रहे हैं हम, वो सारे वर्ड प्लूरल में होंगे, ये आप सेंस से यूज कर सकते हैं। कॉमन सेंस की बात ये है कि बात एक से अधिक की हो रही है, समूह की हो रही है, यानी कि एक से अधिक ही होगा, एक से अधिक होगा, यानी कि नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे टीम ऑफ और टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों के समूह को टीम कहते हैं। अब कोई कह देगा नहीं अ टीम ऑफ प्लेयर, तो वही वर्ड रॉन्ग हो जाएगा, अ टीम ऑफ प्लेयर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अ टीम ऑफ प्लेयर्स हो जाएगा, नहीं अ टीम ऑफ प्लेयर्स हो जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं खिलाड़ी की समूह की या खिलाड़ियों के समूह की, खिलाड़ियों के समूह को हम टीम कहते हैं। तो एक ये क्या है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं एक चीज, बट इस एक कंटेंट में बहुत सारा वेरिएशन है, सवाल पूछने का तरीका ही अलग अलग हो जाएगा, वो खट जाएंगे आगे। आज जैसे जानते हैं आगे, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप्स के ग्रुप को हम फ्लीट कहेंगे, अ फ्लीट ऑफ क्रूजर्स, क्रूजर्स के समूह को फ्लीट कहेंगे, प्लेयर्स के समूह को टीम कहेंगे, वॉब्स के समूह को पैक कहेंगे, अ पैक ऑफ वॉब्स, इस कार्ड्स के समूह को भी पैक कहते हैं हम लोग, कार्ड्स जो खेलते हैं आप। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के समूह क्या कहते हैं हम लोग, फ्लाइट कहते हैं। इसमें क्या होता है, अमूमन आप कन्फ्यूजन में रहते हैं, अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स या अ फ्लीट ऑफ बर्ड्स, जब भी एग्जाम पूछेगा ना तो फ्लाइट के ऑप्शन में फ्लिट भी डाल के देगा वो आपको, ताकि आप कंफ्यूज्ड हो जाएं, और बच्चे हो भी जाते हैं। तो याद कैसे रहेगा, पक्षियां उड़ती हैं, फ्लाइट भी उड़ता है, यानी कि पक्षियों के उड़ने के लिए क्या, पक्षियों क्या करें हम लोग, पक्षियों के समूह के लिए फ्लाइट का यूज करेंगे, फ्लिट का यूज नहीं करेंगे। आइए देखते हैं आगे, अब बुके ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के समूह को बुके कहेंगे। बुके का स्पेलिंग भी एग्जाम में आता है, बी ओ यू क्यू यू टी, याद रहेगा, बुकेट नहीं बोलेंगे, टी साइलेंट है, बुके, बी ओ यू क्यू यू टी, बुके, ठीक है। तो फ्लावर्स के समूह क्या कहेंगे हम लोग, बुके कहेंगे, ठीक है ना, फ्लावर्स के समूह को हम बुके कहेंगे। अब है
कि फ्लावर्स क्यों हुआ, क्या आप बुके ऑफ फ्लावर हो सकता है? आप बुके ऑफ फ्लावर होगा? नहीं, फ्लावर क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब ये समूह है तो एक फ्लावर या एक से अधिक फ्लावर, तो फ्लावर्स होगा, ये कॉमन सेंस की बात है। अ लोफ ऑफ ब्रेड, आप बोलेंगे सर ब्रेड्स क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि ब्रेड खाने पीने की चीजें हैं, अनकाउंटेबल, ईटेबल है ना, अनकाउंटेबल, इसका प्लुरल नहीं होता है, इसलिए हमने ऑल ऑफ ब्रेड्स नहीं लिखा, सिर्फ क्या लिखा, ऑल ऑफ ब्रेड ही लिखा। इसके पीछे सिंपल सा रीजन था कि अनकाउंटेबल होता है। तो रोटियां जब दो एक साथ होती है तो क्या कहते हैं हम लोग उसको, लोफ कहते हैं, ऑल ऑफ ब्रेड। आइए, अ सोल ऑफ फिश या अ स्कूल ऑफ फिश, मैंने कल भी कहा था कि मछलियों के समूह को हम क्या कहते हैं, सोल या स्कूल। लास्ट टाइम SSC RDC वाले ने, CHSL वाले ने इसको पूछा भी है, ये बहुत जरूरी चीज है, जानना चाहिए लोग। जब आपको ऑप्शन में दिया जाए स्कूल, वहां पर आप स्कूल कभी चूज ही नहीं करेंगे, आपको लगा ये थोड़ी होगा, स्कूल तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, लेकिन स्कूल होता है। मछलियों के समूह को हम स्कूल कहते हैं या सोल कहते हैं। खैर आइए नेक्स्ट देखते हैं। अ हीप ऑफ कॉर्न, अनाज के ढेर को हीप कहते हैं, HEAP, हीप मीन्स क्या, ढेर। कल भी मैंने बताया था शायद, अनाज के समूह क्या कहते हैं हम लोग, अनाज का जमा कर देंगे ढेर हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, हीप बोलेंगे, अ हीप ऑफ कॉर्न। आइए अब बंडल ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स के समूह को बंडल कहते हैं, ग्रेन के समूह को स्टॉक कहते हैं, और स्टॉक ऑफ, क्लियर है। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, ये सब जितने वर्ड हैं सबके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होगा ही होगा, पहले वाले वर्ड से पहले आर्टिकल ए होगा ही होगा, क्योंकि ये सब तो प्लुरल है ना, ये सब तो प्लुरल नहीं है ना, ये सब तो सिंगुलर है, ये सब क्या है, मॉब, अ फ्लेट, अ पैक, अ बुके, अ लोफ, ये तो सिंगुलर है, अ सोल, स्कूल, ठीक है। दूसरा वाला भले प्लुरल हो जाएगा, और दूसरा प्लुरल होने का रीजन सीधा सा है, क्योंकि एक से अधिक की बात हो रही है। आई अब ग्रेन्स क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ग्रेन क्या है, ग्रेन अनाज, उसको हम गिनते हैं या नापते तौलते हैं, अनकाउंटेबल। जिस चीज को हम नापते तौलते हैं वो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। फिश का आप फीसेस भी कर सकती हैं, इसके लिए निश्चिंत रहिए, आपको इच्छा है कि हम फीसेस लिखेंगे, आप लिख लीजिए अपने आत्मा की संतुष्टि के लिए, ठीक है, आप फीसेस कर सकते हैं, लेकिन जानिए फिश सिंगुलर नाउन भी है, फिश प्लुरल नाउन भी है, ठीक है। किसी को जानना हो तो फिश सिंगुलर नाउन भी है और फिश प्लुरल नाउन भी है, ठीक है, नाउन में बताऊंगा मैं आपको। खैर तो ग्रेन्स किसी किसी दिमाग में चल रहा होगा, सर बोले कि नाउन प्लुरल होगा, फिर यहाँ प्लुरल क्यों नहीं हो रहा है, और सब जगह हो रहा है, यहाँ नहीं हुआ, क्या नियम आ गया, ब्रेड के लिए ब्रेड्स नहीं हुआ, ग्रेन के लिए ग्रेन्स नहीं हुआ, कॉर्न के लिए कॉर्न्स नहीं हुआ। कॉर्न मीन्स भी अनाज होता है, अनाज को गिनते हैं या नापते तौलते हैं, तो जिस चीज को नापते तौलते हैं वो क्या होता है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल का प्लुरल नहीं होता है। नेवर, यू कैन नॉट यूज, कभी नहीं कर सकती हैं। आपको ब्रेड बोलना है तो आप कीजिए पीस ऑफ या पीसेस ऑफ, ठीक है, टू पीसेस ऑफ ब्रेड, थ्री पीसेस ऑफ या फोर पीसेस ऑफ या टू पेयर्स ऑफ, ऐसा कर दीजिए, लेकिन आप ब्रेड को ब्रेड्स नहीं कर सकती हैं। सीधी सी बात है, ब्रेड क्या है, खाने पीने की चीजें हैं, ईडिबल है, और ईडिबल जो होती है वो क्या होती है, अनकाउंटेबल होती है। ईडिबल खाने पीने की चीजें क्या, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल का बेसिक डेफिनेशन दिया ही था हमने, कोई किताब नहीं याद करना है, कुछ नहीं करना है, सीधी सी बातें, ऐसे शब्द जिनको सुनकर लगता है कि वो कोई चीज है, तो नाउन तो होगा ही, लेकिन अगर सुन के लगता है कि वो फीलिंग्स को दिखा रहा है, अवस्था को दिखा रहा है, क्वालिटी को दिखा रहा है, खाने पीने की चीजें हैं, वो नापने तौलने की चीजें, स्केलेबल है, सब क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। आइए अब कहते हैं अ क्लास ऑफ पीपल्स, नहीं, शिष्य के समूह को पीपल्स के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे। पीपल्स में समूह होता है, ये शिष्य होता है या पढ़ने वाले छात्र जो होते हैं। अ फ्लॉक ऑफ शिप, शिप्स नहीं लिखिएगा, शिप जो है वो सिंगुलर नाउन भी है, प्लुरल भी है, ठीक है, शिप्स कोई वर्ड ही नहीं होता है, मैं लिख देता हूँ, आप लोग भी लिख सकते हैं, लिख लेंगे इसको, शिप्स कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है, वर्ड शिप ही होता है, ठीक है, ये सिंगुलर नाउन भी है और ये प्लुरल नाउन भी है ना, शिप जो है सिंगुलर नाउन भी है और प्लुरल नाउन भी है, कोई दिक्कत, इसलिए हमने शिप्स नहीं लिखा,
हाँ लेकिन जानिए एग्जाम से पूछा जाता है, दे देगा लिख करके सिप्स। बोलिए। तो कैसे जानेंगे कहाँ से मेरा यूज होगा कहाँ? मैं नाउन चैप्टर में बता दूंगा आपको, अगर इसके पहले मैं बता ही देता हूं, अगर सिप के पहले ए लग जाए तो सिंगुलर मानिएगा, अगर ए नहीं लगे तो प्लूरल मान लीजिएगा। ठीक है, अगर सिप से पहले ए लग जाएगा तो सिंगुलर, और सिप ये सिंगुलर हो गया, अगर ए नहीं लगा हुआ है तो प्लूरल हो गया। क्लियर है तरीका यही पहचानने का, क्योंकि ए लगा यानी कि सिंगुलर नंबर माने इसको, हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहता था तो ए एन लगाते हैं हम, ए लगा यानी कि आर्टिकल आया, आर्टिकल तो आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले तो सिंगुलर हो जाएगा, ए नहीं रहेगा तो प्लूरल हो जाएगा वो। ठीक है, फिर वहां आगे भी जाने के मैंने बता दिया आपको यहाँ पे। ठीक है, अब है अब बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स के समूह को क्या कहेंगे हम लोग, बंच कहते हैं, आप लोग बचपन से पढ़ते हो। अ क्रू ऑफ सेलर्स, सेलर्स मीन्स क्या, नाविक। मैंने एक टॉपिक पढ़ा, पेपर रीडिंग पढ़ाया था, सेलर्स टर्न सेवियर्स ड्यूरिंग हैदराबाद, हैदराबाद डिल्यूज, टॉपिक मुझे याद है क्या, दैट वाज पढ़ा था, थर्ड टॉपिक। फर्स्ट एमएसपी इज द की टू इंडिया फूड सिक्योरिटी, सेकेंड वॉज स्टबल बर्निंग, एंड थर्ड वॉज नहीं सेलर्स टर्न सेवियर्स ड्यूरिंग हैदराबाद डिल्यूज, ये थर्ड टॉपिक था पेपर रीडिंग में, तो खैर वहां हमने बताया भी था। खैर आइए नेक्स्ट है, सेलर्स के बारे में बताया, नाविक होता है, सेल मींस नाव चलाना, और सेलर्स क्या होता है, नाविक होता है। तो अ क्लास ऑफ पोपल्स तो हो गया, यहाँ थे ना हम लोग, अ हर्ड ऑफ लायंस या अ हर्ड ऑफ स्वार्म या सॉरी अ हर्ड ऑफ लायंस या अ स्वार्म ऑफ बीज, अ स्वार्म ऑफ बीज। क्लियर है, अ स्वार्म ऑफ बीज, एनीवन कोई प्रॉब्लम, मधुमक्खी जो कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि मधुमक्खियों के समूह को स्वार्म कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि हमने ये बता दिया आपको अ हर्ड ऑफ लायंस, कि लायंस के समूह को हम एक और कहते हैं प्राइड भी कहते हैं। अब प्राइड ऑफ लायंस ये लास्ट ईयर एसएससी सीजीएल मेन एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019 को 17-18 नंबर का जो पेपर, नवंबर का जो पेपर हुआ था, ठीक है, उसका ये पूछा हुआ सवाल है 2019 का पेपर में। ठीक है, और एसएससी 2020 में पेपर हुआ था, 19 का पेपर मेंस जो 20 में हुआ उसका पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल मेन 2020, 19-20 का पेपर है। ठीक है, 19-20, अब प्राइड ऑफ लायंस मतलब लायंस के समूह को प्राइड भी कहते हैं हम लोग। क्लियर है, चलें से आगे, और नहीं देगा तो हर्ट तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब पाइल ऑफ बुक्स, किताबों के समूह को पाइल कहते हैं। अब गार्लैंड ऑफ बिट्स, बिट्स के समूह को गार्लैंड कहते हैं। बिट्स एक गोल गोल दाना होता है, जैसे हम लोग जो लोग बूढ़े पुराने होते हैं वो दाना, जो बिट्स जो होता है माला जपने के लिए गोल गोल दाना होता है, तुलसी का दाना क्या क्या होता है, तो वो जो दाना है ना गोल गोल उसको बिट्स कहते हैं। ठीक है, या सिंपली बिट जो कली के अंदर जो फू फू कोई किसी फूल के अंदर जो दाना दाना होता है वो भी बिट्स ही है, बिट्स कहते हैं। ठीक है, आई अ हॉर्ड ऑफ नॉमेड्स, नॉमेड्स समझते हैं ना, इसको सही कर लीजिएगा, अ हॉर्ड ऑफ नॉमेड्स। तो नॉमेड्स जो होता है खाना बदोश होता है, घुमक्कर जो कहते हैं, आज यहाँ है कल वहां है परसों वहां है, जिप्सी टाइप के लोग, नहीं जिप्सी टाइप के जो लोग होते हैं, जिप्सी वर्ड है क्या, मिला होगा वर्ड ना, जिप्सी बंजारा, बंजारा जस्ट लाइक, सही बोला आपने बंजारा, शुद्ध हिंदी है, कह रही हैं आप बंजारा, या खाना बदोश जो होता है वो भी क्या है, नॉमेड्स है, नॉमेड्स खाना बदोश या घुमंतू भोटिया जो बोलते हैं हम लोग। अब ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, फ्लैट्स के समूह को ब्लॉक कहते हैं। बड़े बड़े शहरों में आप देखते हैं कि कई सारे बिल्डिंग्स होती हैं, एक लाइन में घुसेंगे आप तो कई सारे ब्लॉक ए ब्लॉक बी ब्लॉक सी ऐसे लिखा रहता है, ब्लॉक 1 ब्लॉक 5 ब्लॉक 10 लिखा रहता है, तो जब उस लाइन में जाएंगे आप तो सिर्फ बिल्डिंग्स का लाइन मिलेगा, बिल्डिंग्स का, फ्लैट्स का जो है सिर्फ लॉट मिलेगा आपको। तो फ्लैट्स के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं, सॉरी फ्लॉक बोलते हैं हम लोग, ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक BLOCK के।
लाइब्रेरी और बुक्स, किताबों के समूह को लाइब्रेरी कहते हैं, पेपर्स के समूह को फाइल पता ही है, म्यूजिशियंस के समूह को बैंड कहते हैं, अच्छा वर्ड है, डायरेक्टर्स के समूह को बोर्ड कहते हैं क्योंकि बोर्ड में सिर्फ डायरेक्टर्स ही बैठते हैं, अ बेबी ऑफ गर्ल्स या वुमेन या ऑफिसर्स, लड़कियों के समूह, ऑफिसर्स के समूह या महिलाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, बेवी कहते हैं। ये वही है जब लोगों होश हो, जब कॉलेज नया नया जाते हैं तो खून गर्म रहता है तो बोलते हे बेबी, क्योंकि उसको सुनाई ही पड़ता है हे बेबी, वास्तविकता में वो होता है हे बेबी। सुन, बोलने वाले भी रॉन्ग होते हैं, सुनने वाली जो लड़कियां होती हैं उनका भी कान खराब होता है, तो अंग्रेजी जानती नहीं है, वास्तविकता में ये वर्ड है हे बेबी, लेकिन लड़के होते क्या है, बोलते हैं हे बेबी है, ठीक है, तो हे बेबी नहीं होता है, वो क्या होता है, हे बेबी होता है। कभी कभी आप लोगों का मन करता होगा बोल लें हे बेबी, नहीं, और लड़कियों को मन करता होगा कोई बोल दे एक चाटा खींच के लगा देंगे क्या, तो दोनों तरफ से ये वाली फीलिंग्स होती है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग एसएससी वाले लोग हैं तो इसमें नहीं पढ़ेंगे, आप लोग इससे बाहर रहेंगे, ठीक है, तो जानेंगे बेबी होता है अब बी ई वी वाई, ठीक है, अब बेबी ऑफ गर्ल्स या वुमेन या ऑफिसर्स, इसके समूह को बेबी कहते हैं। कैरवन ऑफ मर्चेंट्स, मर्चेंट्स या मर्चेंट्स समझते ना, बिजनेसमैन, व्यापारी, व्यापारी के समूह को, या पिलग्रिम्स, तीर्थयात्री होता है, या तीर्थयात्रियों के, ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स या पिलग्रिम्स, तीर्थयात्री या मर्चेंट्स के समूह कैरावन कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, कैरावन, सी ए आर ए बी ए एन, याद रहेगा, कारवां, जुलूस, ठीक है, तीर्थयात्री लोग जब भी होते हैं लॉट में चलते हैं वो लोग भी, ठीक है, पिलग्रिम्स या ट्रेवलर्स, नहीं, तो ये सब को क्या कहते हैं हम लोग, कैरावन कहते हैं। अ चेन या रेंज ऑफ माउंटेन्स और हिल्स, माउंटेन्स या हिल्स के समूह को चेन या रेंज कहते हैं। आप लोग पढ़ते हो हिमालय, हिमालय रेंज, नीलगिरी रेंज, रेंज क्यों कहा गया है, क्यों माउंटेन्स का समूह है वो, उसको रेंज कहते हैं या चेन कहते हैं, ठीक है। अ कोर ऑफ सिंगर्स, ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, बीबीआई है, देखो मैं स्टार लगा देता हूँ आप लोगों को, जो ज्यादा बीबीआई है, सिंगर्स समूह कोर कहते हैं, चोर मत बोल दीजिएगा इसको आप लोग, ठीक है। आई यहाँ स्पेलिंग रॉन्ग है, अ हर्ड होगा जी आर डी, ठीक है, अ फ्लेट, ये भी पूछा जाता है पेपर में, ठीक है ना, क्रूजर्स फ्लाइट, ये भी आता है पेपर में, ये भी आता है पेपर में, बहुत बार आ चुका है, बुके भी आता है पेपर में, उसके बाद फ्लॉक ऑफ शिप, ये भी पेपर में बहुत बार आ चुका है, ये भी आ चुका है पेपर में, उसके बाद है ये अ होर्ड ऑफ नॉमेड्स, अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, ये बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ये तो कई बार आ चुका है पीयू वगैरह के पेपर में भी, आईबीपीएस पीयू के पेपर में भी बहुत बार आ चुका है, ये हो गया, स्टार लगा लो आप लोग, क्या हो गया, सी दैट हो गया, आई रीस्टार्ट दैट, आई चलते हैं इससे आगे हम लोग, अब इसमें एक लास्ट में था, सर्वेंट्स के समूह को हम लोग रेटिन्यू कहते हैं, ये भी एग्जाम में आ जा बहुत बड़ा चुका है, सर्वेंट्स के समूह को हम लोग रेटिन्यू कहते हैं, ठीक है, सर्वेंट्स के समूह क्या कहते हैं हम लोग, रेटिन्यू कहते हैं, क्लियर है ना, क्या कहते हैं, रेटिन्यू, आर ई टी आई एन यू ई, याद रहेगा, क्लियर है, आर ई टी आई एन यू ई, रेटिन्यू ऑफ सर्वेंट्स, हो गया। ये अटेंडेंस, अटेंडेंस का मतलब ही नौकर होता है, ठीक है, अटेंडेंस है ये, ए डबल टी ई एन डी ए एन टी एस, अटेंडेंस, क्लियर है, ए डबल टी ई एन डी ए एन टी एस, अटेंडेंस। आई नेक्स्ट देखते हैं, अ ग्रोव ऑफ ट्रीज या क्लंप ऑफ ट्रीज, अ क्लंप या ग्रोव ऑफ ट्रीज, ट्रीज के समूह को ग्रोव या क्लंप कहेंगे, अ कोड ऑफ लॉज, नियमों के समूह के को क्लंप कहते हैं, सॉरी कोड कहते हैं, क्लंप क्लंप तो ट्रीज के लिए आता है,
अ क्लस्टर या कॉन्स्टलेशन या गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, स्टार्स होगा यहाँ पे, स्टार्स सही कर लेंगे आप लोग, ठीक है। स्टार्स या तारा जो होता है उसके समूह को कॉन्स्टलेशन, आकाशगंगा जो कहते हैं आप लोग, या क्लस्टर भी कहेंगे या गैलेक्सी भी कहेंगे। अ कंपनी या एन आर्मी, अ कंपनी या आर्मी, ठीक है, या रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के समूह को कंपनी या रेजिमेंट कहते हैं हम लोग। उसके बाद है सिप्स के समूह को कन्वो भी कहते हैं, कन्वो में पथरक्षक भी होता है, जुलूस भी होता है, बॉडीगार्ड्स का जो जुलूस होता है वो कन्वो होता है, पथरक्षक भी होता है, ठीक है। आइए अ कोर्स ऑफ या सीरीज ऑफ लेक्चर्स, कोर्स पब्लिक सीरीज ऑफ लेक्चर्स। अ क्राउड या मॉब ऑफ पीपल, लोगों के समूह को हम क्राउड या मॉब कहते हैं। उसके बाद है अ हीप ऑफ सैंड या स्टोन्स, सैंड या स्टोन का ढेर लगा दिया जाएगा ना तो हिप कहेंगे, हिप का मतलब क्या होता है, ढेर, है ना। उसके अ लीटर ऑफ पपीज, अ पैक ऑफ हाउंड शिकारी कुत्ते जो होते हैं, या अ पैक ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स के समूह को या हाउंड्स के समूह को पैक कहते हैं, शिकारी कुत्ते जो होते हैं। अ पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर्स के जो सीजर होता है इसके समूह को पेयर कहते हैं। सीरीज ऑफ एंट्स या बीज, है ना, या फ्लाइज नहीं, फ्लाइज होगा, मक्खी जो कहते हैं, ठीक है। फ्लाइज या एंट्स या बीज के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग सीरीज कहेंगे, ठीक है। अ फोरम ऑफ पीपल, लोगों के समूह को फोरम कहते हैं। अ वॉली ऑफ शॉट्स, शॉट्स के समूह को वॉली कहते हैं, या बुलेट्स के समूह को भी हम लोग, बुलेट्स गोली या छर्रा, बुलेट्स या शॉट्स के समूह, बुलेट्स या शॉट्स के समूह को वॉली कहते हैं हम लोग, ठीक है। और ट्रूप ऑफ हॉर्सेस या स्काउट्स, हॉर्स या स्काउट्स के समूह को ट्रूप कहते हैं। और कैरिजेज या फॉलोवर्स के समूह को हम लोग ट्रेन कहते हैं। और लोगों के समूह को कांग्रेगेशन भी कहते हैं। जुलूस या जलवा जलसा जो होता है, बारात, लोगों के समूह को या स्पेसिफिक पुजारियों के समूह को, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं, ब्रैकेट में आप यहां लिख सकते हैं वर्शिप, ठीक है। वर्शिप करने के लिए जो लोग जाते हैं तो पुजारी होते हैं जो वर्शिप करते हैं, तो पुजारियों के समूह को क्या कहेंगे हम लोग, कांग्रेगेशन, क्लियर है। आइए तो मैं ये कह रहा था, एक ये जान लीजिएगा आप लोग, हॉर्सेस जान ही नहीं अब क्या होता है। स्काउट्स जब आप एनसीसी के थ्रू जाते हैं स्काउट्स करने के लिए, जो हम स्काउट्स में जो भी बंदे कैंडिडेट होंगे वो स्काउट्स होता है। ये भी मेरे से पूछेंगे आप, आई कहाँ था मैं, भूल गया। देखिए ट्रूप का मतलब सेना होता है, पैदल सेना जो है वो ट्रूप होता है, तो स्काउट्स को भी, स्काउट्स के समूह को भी हम ट्रूप कहते हैं। ऑब्लिक होगा, मैंने ऑब्लिक लगाया तो आपको, यहाँ पर ऑब्लिक दिया है मैंने आपको, कई जगह मैंने ऑब्लिक करा दिया है। आइए अ ट्रेन ऑफ या कैरिजेज ऑफ, अ ट्रेन ऑफ कैरिजेज या अ फॉलोवर्स ऑफ, सॉरी अ ट्रेन ऑफ फॉलोवर्स, ठीक है। फॉलोवर्स के समूह को हम लोग ट्रेन कहेंगे, या कैरिजेज के समूह को भी हम लोग ट्रेन कहेंगे। यहाँ पे स्टार लगा लीजिए, ठीक है। एक ये पूछा जाता है पेपर में, उसके बाद ये कॉन्स्टलेशन वाला वर्ड तो बहुत बार आ चुका है पेपर में, ठीक है, ये लिख लीजिए। एक और चीज जानी से नहीं बताया मैंने, फ्लॉक ऑफ गीज, ये बीबी आई है, गीज जो होता है, गूज मीन्स क्या, हंस नहीं, तो गीज जो है प्लूरल नंबर है, तो गीज के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। अब रॉबर्स मीन्स बदमाश, डाकू, तो सब जानता है कि रॉबर्स के समूह को गैंग कहते हैं, बट कई बार आपको जब लिख के दे जाएगा ग्रुप ऑफ लेबरर्स तो आपको लगता है लेबरर्स का गैंग थोड़ी होता है, लेकिन जानिए लेबरर्स का भी गैंग चलता है। लेबरर्स के समूह को भी हम गैंग कहते हैं, और बदमाशों के समूह को भी हम गैंग कहते हैं। ये VBI है, पूछा जाता है पेपर में, ऑब्लिक है, ठीक है ना। चले से आगे आइए देखते हैं, अब इससे आगे जो जानने की चीज है, मैंने पहले भी कहा था कि अ ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल,
अ ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल क्या कहा जाएगा? मॉब कहेंगे हम लोग। क्लस्टर, तो स्टार का, स्टार्स जो होते हैं उसके समूह को क्लस्टर कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं या गैलेक्सी कहते हैं? नहीं, ये तो होगा नहीं। हर्ड तो लायंस के समूह कहते हैं हम लोग, कैटल के समूह कहते हैं, ये होगा नहीं। ठीक है, अब बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ये सही है। ठीक है, इसको आप बैंड ऑफ म्यूजिशियन लिखेंगे ना तो गलत होगा, ये बीबीआई है, ये बीबीआई है। अगर इसको आप बैंड ऑफ म्यूजिशियंस लिखते हैं तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि एग्जाम वाले आपको लिख के देंगे बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सही क्या होता है, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। ठीक है, क्योंकि किसी एक ग्रुप म्यूजिशियंस के एक ग्रुप की बात हो रही है। अगर सिर्फ बैंड की बात कीजिए, क्यों होगा आर्टिकल, तो कॉमन सा सेंस लगाइए आप। आर्टिकल ये नाउन है या ऑफ नाउन, नाउन प्लूरल है तो आर्टिकल होना जरूरी नहीं है। ठीक है, जब ये नाउन सिंगुलर है तो आर्टिकल का आना जरूरी है ना, आर्टिकल का आना जरूरी है, क्योंकि नाउन अगर काउंटेबल हो और आर्टिकल का प्रयोग आप ना करें तो क्या होगा, वो रॉन्ग होगा। नाउन काउंटेबल और सिंगुलर नंबर में है तो आपको आर्टिकल का प्रयोग करना ही पड़ेगा। और ये गलत ऐसे भी है, कम से कम आप ये सेंस अप्लाई कर लो कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर जब भी होता है तो पहले वाले नाउन से पहले क्या होता है, आर्टिकल का यूज होता है। इस हिसाब से भी ये गलत तो है, हर हाल में गलत है। अब किसी के मन में है कि सर जब आर्टिकल द कर सकते हैं नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के लिए, यहां भी तो ना ही आर्टिकल द का प्रयोग करना चाहिए, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन है, तो यहां आर्टिकल द नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम एक ग्रुप को दिखाना चाहते हैं, म्यूजिशियंस का एक ग्रुप, उसको हम बैंड कहते हैं। हम कुछ बैंड्स को नहीं दिखाना चाह रहे हैं, हम दिखाना चाह रहे हैं म्यूजिशियंस के एक ग्रुप को। एक वाला वर्ड आ रहा है उसके लिए यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, ए। तो इसलिए कहा गया इन सारे वर्ड का प्रयोग फिक्स्ड है कि ए लगाना ही पड़ेगा आपको। तो एक ये भी तरीका हुआ, वो लिख के देगा बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। इसमें एक और मैं लिख देता हूं, आप लोग भी लिख लेंगे, वो लिख के देगा आपको बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ये लिख के देगा। और ये भी क्या होगा, फॉल्स। इसमें आप बीबीआई लिखेंगे और ये सारी चीजें याद नहीं करेंगे, समझने की चीजें हैं। अगर आप समझेंगे तो आपको आसानी से याद होगा, आपको अगर रट्टा मारने का प्रयास करेंगे तो ये डिफिकल्टीज देंगी आपको, परेशानियां देंगी ये चीजें आपको। ठीक है, कॉमन सेंस अप्लाई करना है कि म्यूजिशियंस ही क्यों होगा, म्यूजिशियंस ही क्यों होगा, क्योंकि ये जब समूह है म्यूजिशियन का, तो समूह म्यूजिशियन का नहीं है, म्यूजिशियंस का है, क्योंकि ग्रुप एक से नहीं बनता है, एक से अधिक लोगों से क्या बनता है, ग्रुप बनता है। अब आइए, ये दोनों तरीका हो गया पूछने का, ये भी दोनों बीबीआई है। अ हर्ड ऑफ लायंस हैव बीन सीन, लायंस के एक समूह को देखा गया है। तो मैंने कहा कि इन सारे वर्ड्स जितने भी कलेक्टिव नाउन है, इस तरह के ग्रुप वाले को दिखाने वाले वर्ड्स हैं, इन सब के साथ वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। नाउन आपको देख के लग रहा है प्लूरल होना चाहिए, लायंस से लगता है होगा, लेकिन ये तो मूर्ख वाली बात हो जाएगी ना, कि इतना पढ़ने के बाद हम ऐसा यूज करने के लिए जाए यहाँ पे। देखिए, हम एक कॉमन सेंस की बात है जो मैंने कहा है, आप लोगों ने अप्लाई भी किया है, चीजों पर विचार भी किया है। जब भी नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर होता है और ये वर्ब से पहले आ जाए, तो यानी कि ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये जब सब्जेक्ट होता है तो वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार, फर्स्ट वाले के अनुसार होता है। तो फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे जैसे ले लीजिए आप हर्ड, ए हर्ड है, तो अ हर्ड ये सिंगुलर या प्लूरल, तो हैव या हैज। तो इस तरह के जितने भी वर्ड होते हैं इसमें पहले वाले नाउन के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होता है, और पहले वाले में ए लगा हुआ है यानी कि प्लूरल है वो, सॉरी सिंगुलर है, तो वर्ब तो सिंगुलर होना ही है ना। कहता है कि अ हर्ड ऑफ लायंस हैव बीन सीन, लायंस का एक समूह देखा गया है, तो देखा क्या गया, लायंस का समूह ना, लायंस का ग्रुप देखा गया है, झुंड देखा गया है। तो इसलिए हम लोग भर्म क्या करेंगे, सिंगुलर करेंगे, यानी कि सॉरी क्या करेंगे हम लोग, हैज करेंगे, हैव रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना, और नहीं कुछ सब सिंपली जानिए, इन सारे कलेक्टिव नाउन के साथ, इन सारे ग्रुप को दिखाने वाले शब्दों के साथ भर्म क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। क्यों होता है हमने बता दिया, क्योंकि हम वर्ड वर्ब का प्रयोग करते हैं, अगर सब्जेक्ट के रूप में नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन आ जाए, ठीक है, और वर्ब का यूज करते हैं पहले के अनुसार, और पहला जो है हमेशा क्या है,
सिंगुलर है, इसलिए वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। तो ये दो तरीका हमने बताया एग्जाम में पूछे जाने का। अब आइए, दिया गया अ फ्लिट ऑफ बर्ड्स वॉज देयर इन द स्काई, स्मॉल टी होगा, अ फ्लिट ऑफ बर्ड्स, क्या सही है ये? बर्ड्स के समूह को फ्लिट कहते हैं, फ्लाइट कहते हैं। ये थर्ड वे है एग्जाम में पूछने का। तीसरा तरीका है, ये तीसरा तरीका है जो एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, क्या हो जाएगा ये आंसर होगा आपका ए, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स वॉज सीन वॉज देयर इन द स्काई, ए होगा आंसर। ठीक है, आंसर है ये आपका। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस हैव बीन परफॉर्मिंग एट द कंसर्ट टू इनकरेज द पीपल टू कम फॉरवर्ड। ठीक है, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस हैव बीन परफॉर्मिंग, ये हैज बीन, इन सारे वर्ड के साथ ग्रुप को दिखाने वाले वर्ड से भाग सिंगुलर होता है, ये आपने याद कर लिया। ये सिर्फ याद करने की बातें हो गई, लेकिन समझना भी है क्यों होगा सिंगुलर। यहां ध्यान देंगे, ये अगर वर्ब है तो सब्जेक्ट वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार, इसके पहले आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। ये वर्ब, ये क्या हुआ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पहला वर्ड क्या है, अ बैंड ना, तो अ बैंड हैव या हैज, हैज। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज। आंसर आपका हो जाएगा, अब आंसर हो जाएगा बी, नहीं आंसर हो जाएगा बी, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस लिख लेंगे आप लोग, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस हैज बीन परफॉर्मिंग, है ना। आइए, अच्छा हिंदी की बात करें, हिंदी पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस हैज बीन परफॉर्मिंग, हैज बीन के बाद बिफोर है, हमारे पास रहा है हैज बीन या हैव बीन के बाद बिफोर होगा, मींस कि हमारे पास रहा है, इजमर प्लस बिफोर का हिंदी हमारे पास रहा है, और हैज बीन हैव बीन के बाद बिफोर हो जाए तब भी क्या हमारे प्लस रहा है। तो म्यूजिशियंस का जो बैंड है वो परफॉर्म कर रहा है कंसर्ट में, इन लोगों को इनकरेज करने के लिए, लोगों को टू कम फॉरवर्ड सामने आने के लिए। क्या एक और देखते हैं, हर्ड ऑफ लायंस वर सीन क्रॉसिंग द रोड, हर्ड ऑफ लायंस को देखा गया, तो लगता है कि लायंस के लिए वर्ड सही है, लेकिन कॉमन सेंस की बात है भाई, ये भर्व है तो ये सब्जेक्ट समूचा है, भर्व का प्रयोग किसके अनुसार, पहले वाले के अनुसार, फर्स्ट वाले नाउन के अनुसार, तो हर्ड ऑफ लायंस वर और वाज, सही बात है। यहां भी क्या होगा आंसर ए, वर की जगह क्या हो जाएगा भाई, वाज, ये लिख लेंगे आपको। अ ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल हैज टेकन आउट अ रैली अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कटिहार, गुस्साए हुए लोगों की एक ग्रुप ने निकाल, हैज टेकन आउट, टेक आउट निकालना, हैज या है अपना भीतरी वापस आ है, ने निकाला है एक रैली कटिहार की प्रशासन के खिलाफ। तो अ ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल या अ मॉब ऑफ एंग्री पीपल, अ मॉब ऑफ एंग्री पीपल, यानी कि ग्रुप के जगह क्या होगा, मॉब आ जाएगा। क्या कोई क्लियर है सबको? हाँ। ये बातें स्पष्ट हो गई होंगी सबको। अब आइए देखते हैं अगला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, किसी भी एग्जाम्स में ये चीजें पूछी ही जाती हैं, ठीक है, किसी भी एग्जाम्स में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं और आगे पूछी जाएंगी, पहले पूछी गई हैं, आगे भी पूछी जाएंगी। क्या बता रहे हैं, एंग्री पीपल के समूह को हम मॉब कहते हैं, जब कॉमन एरर में आया है, किसी लाइन में लिखा गया है, तो मॉब लिखना पड़ेगा आपको ना, वो तो आपके आपसे एक सवाल किया कि अ ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल को क्या कहा जाता है, लेकिन जब आप सेंटेंस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अ मॉब ऑफ एंग्री पीपल लिखेंगे आप ना, क्योंकि आप सवाल नहीं कर रहे, सवाल को लिख रहे हैं वहां, कह रहा है नो वन समवन एनीवन एवरीवन, नोबडी समबडी एनीबडी एवरीबडी, नथिंग समथिंग एवरीथिंग, ठीक है, एनीथिंग, ईटीसी के साथ हमेशा क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए ये जितने बॉडी वाले वर्ड है, दिमाग लगा लेंगे, जितने बॉडी वाले वर्ड है, वन वाले वर्ड है और थिंग वाले वर्ड है, नथिंग समथिंग एवरीथिंग एनीथिंग, नो वन समवन एवरीवन एनीवन, नोबडी समबडी एवरीबडी एनीबडी, इन सब के साथ वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है, क्योंकि ये प्रत्येक का सेंस देता है, एक साथ होगा, somebody एक साथ होगा, कर लीजिएगा, ठीक है।
नोबडी भी एक साथ होगा। आइए, नो वन इनवाइट मी या इनवाइट्स मी, गलत, सही क्या होगा? इनवाइट्स मी, क्यों? क्योंकि नो वन के साथ भाव क्या होगा? सिंगुलर। आइए, सम वन हैज स्टॉलन माई पेन, किसी ने चुरा लिया है मेरा कलम, इसके लिए भाव क्या? सिंगुलर सही है, लेकिन लिख देंगे हैव स्टॉलन, ये क्या फॉल्स। एवरीथिंग आर परफेक्ट या इज परफेक्ट, आई कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। Everyone want to praise the government for maximizing girls' मैरिज एज। आई ए बी सी, नो एरर में डी बोली। एवरीवन वांट टू प्रेज या वांट्स टू प्रेज, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है प्रशंसा करना सरकार की फॉर मैक्सिमाइजिंग, मैक्सिमाइज करने के लिए लड़कियों की शादी की उम्र को मैक्सिमाइज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। इट हैज बीन अप्रूव्ड इन लोकसभा, इट विल बी अप्रूव्ड इन बाय द प्रेसिडेंट एज वेल। बी श्योर ऑफ इट विद इन वन एंड हाफ मंथ, विद इन वन टू टू मंथ्स इट विल बी एन इनेक्टमेंट, इट विल बी एन इनेक्टमेंट। बी श्योर ऑफ इट, यू कुड से लेजिस्लेशन, it will be a law, you cannot marry a girl before 21, and there will be some boys who will be very upset after this enactment. There will be some more boys who will be very upset, there will be some girls as well who would be upset because she would not be able to marry. But you know, in reality, it has been done so nice. For the sake of girls, there were so many girls who were married to someone before 18 years of age. They wanted to study, but they could not because their family members forced them to marry. They could not complete their study. There are so many girls who are very intelligent at studying, at studies. It happens. There are so many people. There are so many girls who want to study, but they are not getting chance. Anyway, answer is everyone wants. Now the next question is, that is also BBI, very very important. अगर दो ऐसे noun को and से जोड़ा गया हो जिनसे pair बनता है तो उनके साथ हमेशा singular verb का प्रयोग होता है। ध्यान देंगे, दो noun को जोड़ा गया हो और उनसे एक pair बनता है। लोग इस तरह के words आप पहले भी पढ़े हैं, लेकिन वहां पर एक मन में confusion होता है आपके कि भर्व सिंगुलर ही क्यों होगा इसके साथ। तो ध्यान दीजिए, भर्व सिंगुलर तब होता है इसके साथ, या होता है अगर, तो इसलिए होता है क्योंकि हमेशा ये पेयर में आते हैं, एक साथ आते हैं ये। जैसे आइए, हैमर एंड टोंग्स, टोंग्स होगा, टाइपिंग मिस्टेक है ये। राइस एंड कर्डी हमेशा एक साथ होगा, राइस एंड पल्स हमेशा एक साथ होगा, ब्लॉक एंड कार्ड्स, ब्रेड एंड बटर,
ब्रेड एंड जैम, टाइम एंड टाइड, मिल्क एंड शुगर, ठीक है, ये हमेशा एक साथ चलते हैं, हैमर एंड टोंग्स। देखिए हैमर यूज करेंगे तो टोंग्स लगाएंगे, आप मिल्क यूज करेंगे तो शुगर यूज करेंगे, आप नहीं करते वो आपकी इच्छा है। ब्रेड एंड जैम, ब्रेड एंड बटर, अगर ब्रेड है तो बटर हमेशा ब्रेड के साथ ही रहेगा। क्या आप बोलेंगे नहीं मैं अलग अलग यूज करूँ तो आप एक्सेप्शन होंगे, दुनिया में अनाड़ियों की कमी नहीं होती है। क्या कुछ लोग होते हैं बोलते हैं नहीं मैं चावल दाल सब्जी सबको एक बार मिला के खाऊंगा, कुछ लोग होते हैं नहीं बोलेंगे नहीं मैं एक्सेप्शन हूँ, मैं एक्सेप्शन हूँ बोलेंगे, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, वो क्या करेंगे पहले चावल खा लेंगे फिर दाल खा लेंगे पी लेंगे उसके बाद सब्जी खा लेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी लोग होते हैं और आप लोग भी ऐसे करते होंगे, पहले चावल खा लेते होंगे फिर सब्जी खा लेते होंगे फिर दाल पी लेते होंगे, क्या ऐसा कर रहे हैं क्या आप लोग? आइए ओके चलिए देखते हैं हम लोग आगे। ब्रेड एंड बटर आर नहीं होगा, क्या होगा? इज होगा, ये फॉल्स। ब्रेड एंड बटर इज वेरी टेस्टी होगा, मिल्क एंड शुगर मैक नहीं होगा, मैक्स होगा क्योंकि एक साथ आता है। अगला अगला जो है ये तो बहुत बीबी आई है आप सबके लिए, ठीक है। सेंटेंस के बाद एज इफ या एज डू लगा रहे तो इसका मीनिंग होगा मानो या मानो की, ठीक है। सेंटेंस के बाद एज इफ या के बाद अगर एज इफ या एज डू लगा रहे तो इसका मीनिंग होगा मानो या मानो की, ये इमेजिनेशन या कल्पना को दिखाता है, इमेजिनेशन या कल्पना को दिखाता है। इसकी सबसे यूनिक चीज जो एग्जाम में पूछी जाएगी, अभी मैं आगे टाइम एंड टेस्ट में इसके बारे में जिक्र करूंगा डिटेल में, अभी जो आपसे मेनली क्वेश्चन होता है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं आपके एग्जाम से, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं आपके एग्जाम्स में, एज इफ या एज डू के बाद सब्जेक्ट कैसा भी हो हमेशा वर का ही प्रयोग होगा, याद रहेगा। एज इफ या एज डू के बाद सब्जेक्ट कैसा भी हो जाए क्या होगा? हमेशा वर का यूज होगा, क्या होगा? हमेशा वर का ही यूज होगा प्लस नाउन या एडजेक्टिव, क्लियर है ना। तो देखिए सी सिंग्स एज इफ सी वॉज श्रेया, वह गाती है ऐसे मानो, एज इफ मीन्स मानो वह श्रेया थी नहीं श्रेया हो, हम क्या बोलना चाहेंगे वह ऐसे गाती है मानो वह श्रेया थी या श्रेया हो, मानने की बात करते हैं कल्पना की बात करते हैं, ठीक है। तो सीधा सा बात है, जानना है आपको एज इफ या एज डू के बाद हमेशा सब्जेक्ट कैसा भी हो जाए वर ही आएगा, ठीक है। तो सी वर श्रेया, ये गलत ये सही। ही कुक्स एज डू ही वॉज सेफ, असेफ कर देंगे, ठीक है। वह ऐसे खाना बनाता है मानो वह सेफ हो, गलत। ही वर अ सेफ। एक और देखते हैं कॉमन एरर में, मैं लिख के दे रहा हूं आप सबको। ही स्पीक्स एज इफ ही वर, सॉरी, एज इफ ही वॉज द पीएम, है ना। इसको आप सी मान लो, जो लास्ट में होगा वो डी होगा, नो एरर में डी। बोले क्या होगा? ही स्पीक्स एज इफ ही वॉज द पीएम या ही वर द पीएम? वॉज नहीं हुआ, क्या हो जाएगा? ही वर द पीएम, हो गया ना, क्लियर यहां तक। अब इसमें दो चीजें रह गई हैं, द नहीं है देर है, ठीक है। ये भी बता ही देता हूं मैं, द नहीं देर, टी एच ई आर ई, देर। देर के बाद जो भर्ब होता है वो भर्ब के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार इस भर्ब का प्रयोग होता है। आपको लगता है कि भर्ब जो देर के लिए करते हैं आप वो करते हैं देर के हिसाब से, लेकिन नहीं, देर के हिसाब से नहीं करते। देर के बाद जो भर्ब होता है उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये ऑब्जेक्ट ही वास्तविकता में इसका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। मैं लिख दे रहा हूं अलग से, देर के बाद जो भर्ब होता है, ठीक है, और भर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है ये ऑब्जेक्ट जो है ये वास्तविकता में क्या है? सब्जेक्ट है। ये जो ऑब्जेक्ट है यही वास्तविकता में क्या है?
ये जो ऑब्जेक्ट है यही वास्तविकता में सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब का यूज करते हैं हम लोग किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप जब रहता है ए स्टूडेंट तो क्या देयर इज अ स्टूडेंट, तो देयर के हिसाब से नहीं हुआ यहाँ पे, एज ए स्टूडेंट है इसलिए क्या हुआ एज, ये सही। जब स्टूडेंट्स हुआ तो क्या हो गया आर, देयर हैपेंस एक्सीडेंट्स ऑन रोड, घटनाएं होती हैं सड़क पर। तो देखिए एक्सीडेंट्स है इसलिए हैपेंस होगा क्या, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल सिंगुलर वर्ब होगा नहीं ना, एक्सीडेंट्स हैपेंस या हैपन, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया आपका ना, तो वर्ब क्या होगा प्लूरल, ये भी फाइव है तो ये सिंगुलर वर्ब है ना, क्योंकि हैपेंस का मतलब होना, हैपन मेन वर्ब हो गया, तो भी फाइव है क्या हो गया सिंगुलर वर्ब हो गया। तो जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर होगा नहीं, क्या होगा ये गलत ये सही, देयर हैपन एक्सीडेंट्स, ये हुआ हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगा इसके लिए प्लूरल वर्ब हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत है इसमें? देयर कम्स मिनी बॉयज इन द क्लास, है ना, देयर कम्स मेनी बॉयज इन द क्लास, बोलिए देयर कम्स मेनी बॉयज या देयर कम मेनी बॉयज, देयर के बाद जो वर्ब है वो होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में, तो मेनी कौन आते हैं बॉयज ना, तो मेनी बॉयज क्या हुआ आपका प्लूरल सब्जेक्ट, ये अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है वर्ब क्या होगा प्लूरल, कम्स के जगह क्या होगा कम होगा, क्लियर है। चलिए इसमें कुछ और चीजें हैं वो नेक्स्ट के सेशन में हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है, इस सेशन में यहां तक देखा है हम लोगों ने, ठीक है कर दीजिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि सिंटैक्स में अब एक दो टॉपिक ही बचा है, इसके बाद केवल